नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ईगो के बारे में बात करेंगे। ईगो यानी अहंकार, यह वह चीज है जिससे कि आपके सारे दुख जुड़े हुए हैं, सारी तकलीफें जुड़ी हुई हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, जो पीड़ाएं हैं, वो घटनाओं की वजह से हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो घटनाओं की वजह से नहीं है, बल्कि इस वजह से हैं कि आप उन घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं। आपके सोचने पर सब कुछ निर्भर करता है और आपका जो सोचना है वो गवर्न होता है, वो नियंत्रित होता है आपके ईगो के द्वारा। जिस व्यक्ति में ज्यादा ईगो भरा होता है वह एक घटना के बारे में विशेष तरह से सोचेगा और अपने लिए दुख पैदा करेगा। जिस व्यक्ति में ईगो कम होता है वह उसी घटना को दूसरी तरह से देखेगा और अपने भीतर दुख कम पैदा करेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि सपोज ये मान लिया जाए कि हमारे पास, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा धनवान नहीं हैं, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा धनवान है। टाटा बिरला की हम बात करते हैं, अंबानी की बात करते हैं, अडानी की बात करते हैं, माना कि कोई वो व्यक्ति है, तो आपको मैं ये पूछूं अगर कि क्या आपके पास उनकी बराबरी करने का कोई तरीका है, क्या आप उनसे उनके बराबर पहुंच सकते हैं? आप कहेंगे नहीं पहुंच सकते, मैं कहूंगा कि आप पहुंच सकते हैं। अगर आप हर स्थिति में खुश रहना जान सकें, खुश रहना सीख सकें, तो कई तो ये भी कहा जा सकता है कि आप उनसे बेहतर स्थिति में हैं। क्योंकि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होना, बहुत किसी का बहुत धनवान होना, वो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी है, वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी है। संतोष के बिना आपके जीवन में आनंद नहीं आएगा, और अगर आनंद जीवन में नहीं है तो उस धन का क्या लाभ। आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको शिवानी दीदी बताएंगी, जिस खूबसूरत तरीके से वो अपनी बात रखती हैं। जब मैंने उनसे ये पूछा कि ईगो दुख का सबसे बड़ा स्रोत है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है, उन्होंने बहुत ही अपनी खूबसूरत अंदाज में और बहुत तार्किक तरीके से मुझे बताया कि किस तरह हम ईगो से बाहर निकल सकते हैं, किस तरह ईगो हमारे दुख की वजह बनता है। तो मैं आज आपको बहुत ही 3 या 4 मिनट की ये बातचीत है, इसे सुनाना चाहता हूँ। तो चलिए पहले शिवानी दीदी को सुनते हैं। सिस्टर, एक शब्द और है, उसका भी मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। वो शब्द है ईगो, अहम। मैंने इवन मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ध्यान साधना और प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ, योग की दिशा में हूँ, और अपने मन पर मेरा हमेशा ध्यान रहता है कि मन में कैसे विचार आ रहे हैं। बावजूद इसके काफी नियंत्रण हो चुका है, लेकिन फिर भी देखता हूँ कि कई बार वो बहुत धीरे से अपना सर उठा ही देता है। Yes. और उससे जो है अपने ही व्यवहार जो है हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाता है। अहम को, अपने ईगो को कैसे, अगर शब्द इस्तेमाल करो, नियंत्रण में लाया जाए, तो उस पर कुछ आप बताएंगे क्या? तो ईगो भी एक्चुअली क्या है? ईगो है स्वयं का परिचय और स्वयं की पहचान न होना। तो अगली बार आप चेक कर लीजिएगा कि जब वो धीरे से उठता है ना, वो ईगो का सर, उस समय आप कौन सी सोच, वो सोच को चेक करना है कि उस समय सोच कौन सी थी। तो सोच जनरली ऐसे होगी, उसने मुझसे ऐसे कर दिया, उसने मेरी ये वाली बात नहीं मानी, उसने मुझे ये कह दिया, मेरे कहने के बावजूद उसने वो नहीं किया। हर एक अपनी करता रहता है, किसी को मेरी बात ठीक नहीं लगती, ये सारी हमारी सोच होती है। और जब सोच होती है तो वो कभी कभी बोल में भी आ जाती है, व्यवहार में भी आ जाती है। तो ये जब हम कह रहे हैं कि मैं कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं सीनियर, मैं घर का बड़ा, मैं परिवार का बड़ा, ये सब मैं है। लेकिन मैं आत्मा जब याद रहेगा, तो ईगो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अपमान या अभिमान? अपमान या अभिमान। तो अभिमान मतलब अभी अभी जो मैंने बोला, अभी अभी मेरी बात मानी जानी चाहिए, अगर नहीं मानी गई तो मैं हर्ट हो जाऊंगी। और अपमान अर्थात मैं खुद को जो समझती हूँ उस अनुसार आपको मुझे मान देना चाहिए। हम बहुत मान एक्सपेक्ट करते हैं, छोटी छोटी बातों में लोग हर्ट होते हैं। मैंने एंटर किया, सामने वाले ने मुझे उठकर खड़े होकर नमस्ते भी नहीं की, मुझे मेरी तरफ देखा भी नहीं, कि दूसरों के व्यवहार से हम हर्ट हो जाते हैं। अगर सामने वाले ने नहीं किया तो उसने तो अपने संस्कारों को दर्शाया ना, हम क्यों हर्ट हो रहे हैं?
हमारा तो कोई नुकसान नहीं इसमें, हम क्यों अपसेट हो रहे हैं, लेकिन हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि सामने वाला उठेगा, नमस्ते करेगा, मेरे से इस तरह से बात कर, ये सब ईगो है, ये सब ईगो है। अब स्पिरिचुअलिटी क्या है, ईगो का ऑपोजिट क्या है, मैं आत्मा हूं, ये मेरे संस्कार है, वो भी आत्मा है, वो उसके संस्कार है। अगर वो इस तरह से बात कर रहे हैं, इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, वो इस समय उनके संस्कार है। मुझे किस तरह से फील करना है और किस तरह से बोलना है, जो संस्कार मेरे पास है, मैंने अपने संस्कारों को क्यों छोड़ दिया उनके संस्कारों की वजह से, तो वो बहुत सहज हो जाएगा। जब हम आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में रहते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि काफी हद तक हो गया है, कभी कभी वो थोड़ा सा आ जाता है, वो जैसे जैसे ये पुरुषार्थ चलेगा वो थोड़ा थोड़ा भी खत्म होता जाएगा। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म ऐसे कोई स्विच नहीं है कि ऑन ऑफ हो जाता है, जैसे ये सफेद ड्रेस है इस पे एक बहुत कड़क दाग है, वो ऐसे ही करने से नहीं मिटता है, उसको हम रब करते रहते हैं करते रहते हैं, थोड़े दिन के बाद वो थोड़ा सा फेड हो जाता है, फिर भी वो थोड़ा दिखता है, फिर और करते रहते हैं और थोड़ा टाइम लगता है पूरा वाइट पर आने के लिए। तो संस्कार भी थोड़े से वैसे ही होते हैं, बस पुरुषार्थ करते रहे और पुरुषार्थ करके इतना अभी तक आए हैं, बहुत जल्दी बाकी भी पूरा हो जाएगा। तो आपने सुनी शिवानी दीदी की एक सुंदर बातें, अगर शिवानी दीदी की इन बातों को आप अपना सके अपने व्यवहारिक जीवन में, तो कोई वजह नहीं कि आप जल्दी ही अपने ईगो से मुक्त हो जाएंगे और एक आनंद भरा जीवन जिएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे जीवन में सबसे आनंद के पल होते हैं, जिस क्षण मैं सबसे ज़्यादा आनंदित महसूस करता हूँ, उस क्षण मैंने अक्सर देखा है कि मेरा जो ईगो होता है वो गायब होता है। यानी कि जब ईगो होता है, ईगो के साथ ये बहुत मुश्किल है कि आप आनंद महसूस कर सके, क्योंकि कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो आप जो ईगो आपको मजबूर करेगा सोचने को, और वो आपके लिए दुख की और तकलीफ की वजह बनेगी। आप किसी न किसी से तुलना करने लग जाएंगे अपनी, कुछ ना कुछ आपको दूसरों की बातों में ऐसी चीज नजर आएगी कि जहां पर कि आपको आपको अपने लिए आप तकलीफ पैदा करेंगे। जीवन में अगर आप आनंद पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सुविधाओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे आपको पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सुविधाएं बहुत जरूरी है जीवन में, सुविधाएं होनी चाहिए। आपके जीवन में पर्याप्त पैसा होना चाहिए सो दैट कि आप एक अच्छा जीवन गुजार सको, लेकिन अगर आप वाकई आनंद चाहते हैं तो आपको पहले ईगो से मुक्त होना पड़ेगा। ईगो से जितनी जल्दी मुक्त हो जाएंगे, जीवन आपका उतनी ही जल्दी आनंद से भर जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को हर आयु वर्ग तक पहुंचाने के माइंड फिट के लक्ष्य में अपना योगदान दें। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों और करीबियों से जरूर शेयर करें, ताकि वे अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखें।